हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। 11th क्लास अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही हम क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे, अब थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो शुरुआत पहली ट्रांजेक्शन से करते हैं जिसमें बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखा है। तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जिसको आपने भी पिछली दोनों जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें भी था कि आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश जब कंपनी के पास आएगा तो वो उसकी एसेट हो जाएगी और उतने ही कैपिटल, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, तो ये चीजें हो जाएंगी। कितने का आया कैश? $175। तो आप यहां पर दोनों तरफ 1,75,000 लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ने की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो ये है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो देखिए, गुड्स लास्ट टाइम भी जब हमने खरीदी थी तो ट्रांजेक्शन यही हुई थी, परचेज्ड गुड्स। अब क्योंकि नाम देकर चुप हुए हुए हैं वो, तो यहां इसका मतलब है कि वो क्रेडिट है। देखो, नाम लिखकर वो साइलेंट हो गए हैं, सिर्फ नाम लिखा है और साइलेंट हो गए हैं। तो रोहित के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने उससे गुड्स खरीदी, वो अब हमें इसका पैसा देगा तो हम उसको क्रेडिटर बना देते हैं। तो वो हमारा क्रेडिटर है जिसको हमको वो पैसा देना होगा भविष्य में। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम पैसे नहीं दें। तो हम 50,000 रुपये यहां पर लिख देंगे, क्रेडिटर के रूप में ये पैसा मुझे उसे देना है और वो मुझे गुड्स दे चुका है। तो गुड्स कह लो या स्टॉक कह लो, दोनों ही चीजें एक जैसी हैं। यहां हमें उसको लिखना पड़ेगा, वो मेरी एसेट है क्योंकि मैं भविष्य में उसको बेचकर जो है मनी अर्न कर सकता हूं। तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन। जब ये सेकंड ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है तो हमें क्या निकालना होता है, न्यू इक्वेशन। तो हम न्यू इक्वेशन निकालेंगे। अब न्यू इक्वेशन में टोटल ही किया जाता है, तो कैश का टोटल 1,75,000 प्लस में 50,000 की हमारे पास अब स्टॉक है। कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल भी 1,75,000 ही है और 50,000 के हमारे क्रेडिटर हैं जिनको हमको पैसा देना है। तो हमने ये ट्रांजेक्शन कर ली, ये कर ली। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन बेचने की है। तो जब पहले भी मैंने आपको बताया था, बेचने वाली ट्रांजेक्शन के अंदर आपको दो तीन चीजें याद रखनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्ड गुड्स, बिक गया माल, ठीक है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये वर्ड हो जाता है, क्रेडिट लिख दिया उन्होंने। अगर वो नाम लिखकर भी साइलेंट हो जाता क्वेश्चन, तो भी वो क्रेडिट ही माना जाता, जब तक या तो क्वेश्चन लिखे सोल्ड गुड्स, कोई नाम ना लिखे तो वो कैश है, या लिखा जाए सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो वो कैश है। तो अभी नाम भी लिख रखा है और क्रेडिट वर्ड भी यूज किया हुआ है, तो उधार है सबसे पहले। तो इस क्रेडिट वर्ड से हमें ये समझ में आया कि मुझे उन लोगों से पैसा लेना है या उस मनी से अब वो पैसा लेना है। उसने मुझे, जब मैंने उसको गुड्स बेची, उसने जब मुझे वो पैसा नहीं दिया, तो मैंने उसको डेटर्स बना दिया। माल के लिए जो भी उधार होता है वो डेटर्स बनते हैं। देखो, मैं मनीष से कितना अमाउंट लूंगा, 20,000, क्योंकि मैंने उसको गुड्स कितने की बेची है, 20,000। तो मनीष से मुझे अब 20,000 लेने हैं। जब भी सेल होगी तो आपको कॉस्टिंग पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कॉस्टिंग देखें तो वो सिर्फ 17,500 की है
उतने की गुड्स मेरे पास से अब चली गई, मैंने उनको बेच दिया, तो मैं माइनस कर दूंगा। मैंने आपको जब भी बताया था कि दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जरूर होगा जब भी गुड्स बिकेंगी, तो उस प्रॉफिट या लॉस को हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस से कम है, दैट्स मींस प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमारे कैपिटल में प्लस हो जाता है। इन केस अगर लॉस हो रहा हो तो वो माइनस हो जाता है। तो अब आप देखो नेट इफेक्ट इस तरफ भी ढाई हजार का है और इस तरफ भी ढाई हजार का है, तो हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपर वे में बना पाए। तो यहां पर आप लिख देना सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यू इक्वेशन अब हमारी बनेगी। न्यू इक्वेशन जो है वो 1,75,000 पर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम इसको 1,75,000 लिख देंगे। 17,000 का 17,500 स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक को हम 17,500 कम कर देंगे। डेटर्स मेरे अभी भी 20,000 के ही हैं, उन्होंने मुझे कोई पेमेंट अभी तक नहीं दी। मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई क्योंकि 2,500 का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो अब मेरी कैपिटल हो गई 1,77,500। क्रेडिटर को मैंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी, तो वो अभी भी 50,000 ही हैं। इसी के साथ सी एंट्री पूरी हुई, अब हम डी की तरफ चलते हैं। तो देखिए डी में फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आपको पता ही है मेरा बिजनेस जो है फर्नीचर का नहीं है, और फर्नीचर जो मैंने खरीदा है वो अपने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। तो इसका मतलब पता चलता है कि ये मेरी एक एसेट है जिसका मैं लंबे समय तक उपयोग करूंगा। तो यहां एसेट में मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा फर्नीचर के लिए। ये फर्नीचर अब मैं यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा। फर्नीचर की वैल्यू देखिए 10,000 है, तो आप 10,000 का फर्नीचर यहां पर दिखा दोगे। अब कहीं नहीं बताया कि वो कैसे है, मतलब कि कैश में पेमेंट है या ये भी क्रेडिट में परचेज किया गया है। तो ऑब्वियसली जब कुछ ना लिखा हो तो हमें कैश मानना चाहिए, और हम अपने कैश में से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। एंट्री हो गई परचेज फर्नीचर। ये एंट्री हो गई, इसका इतना ही रोल था। मुझे फिर दोबारा से न्यू इक्वेशन निकालनी है। अब क्योंकि ये माइनस होगा तो अब 165 मेरे पास कैश में बचेगा। स्टॉक पर मेरे अब कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे इट इज लिख दूंगा। यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं है डेटर्स पर, तो मैं इसको भी 20 लिख दूंगा। फर्नीचर जरूर ऐड हो गया, उसको लिख दूंगा यहां पर। यहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो आप इसको यहां पर एज इट इज लिख सकते हो। इसी के साथ मेरी डी एंट्री भी कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं अपनी ई एंट्री पर। ई एंट्री हमें कहती है कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब ये वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल सेटलमेंट। अब अगर देखो आप, तो रोहित से आपने इतने का माल खरीदा था, ठीक है, और आप अब उसके साथ फुल सेटलमेंट कर रहे हो कितने अमाउंट में, 48,500। तो देखिए डिफरेंस है, पेमेंट तो मुझे 50,000 करनी चाहिए, पर मैं फुल सेटलमेंट का मतलब है मुझे उसको कुछ आगे नहीं देना होगा। फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है कि अब उसका अकाउंट पूरी तरह से मेरे बुक में सेटल हो गया, तो मुझे उसको आगे कुछ नहीं देना। तो सबसे पहले इस फुल सेटलमेंट के लिए आप रोहित के अकाउंट में जितना भी था बैलेंस, देखिए क्रेडिटर था रोहित हमारा, देखो ये था, ये रोहित यहां पर यहीं पर ही आए थे क्रेडिटर, उसका पूरा अकाउंट खत्म कर दो क्योंकि उसके साथ मेरी फुल सेटलमेंट हो गई है। तो अब इसका बैलेंस बचता है निल, और क्योंकि पेड वर्ड लिखा है तो ऑब्वियसली है मैंने पेमेंट की है, तो आप 48,500 जो आपने एक्चुअल पेमेंट की वो यहां से माइनस कर दो। यहां लिख दो पेड टू रोहित, ठीक है, लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो इन फुल सेटलमेंट, पर आप देखोगे तो डिफरेंस मिलेगा आपको।
अब ये डिफरेंस फिर जो है इशू करेगा, तो इस डिफरेंस से आपको क्या पता चलता है, आपको किसी को 50,000 देने हैं, आप उसको 48,500 दे रहे हो, दैट्स मीन्स आपको 1,500 का 1,500 का बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट हो रहा है आपका, और आपको जब भी कुछ बेनिफिट होगा तो आप कैपिटल में उसको प्लस कर दोगे, कभी लॉस हो तो माइनस कर दोगे। अब आप दोनों साइड देखो तो इक्वल आ जाएगी, यहां पर 48,500 माइनस हो रहे हैं, वहां माइनस 50,000 पर प्लस 1,500, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 48,500। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं वो इक्वल हो जाएंगे और हमारी ये ट्रांजेक्शन भी पूरी हो जाएगी। यहां पर आप माइनस कर आप बैलेंसिंग निकाल लो, एक 116,500 का ये बैलेंस आया, 32,500 ये आया, 20,000 ये आया, और 10,000 इसका बैलेंस है। यहां क्योंकि प्लस हो रहा है तो ये 179 हो जाएगा और वो निल हो चुका है। तो अब आप टोटल देखोगे तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्विवेलेंट मतलब कि 179,000 के इक्वल आएगा। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष को आपने उधार बेच रखा है, देखो ये रहा, ठीक है, कितने में बेचा था, बेचने वाली जो फिगर है वो ये है 20, अब वो आपको पूरे 20 दे रहा है, तो यहां कोई फुल सेटलमेंट नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो जितना उससे मुझे लेना है वो मुझे उतना ही दे रहा है। तो मैं यहां लिख दूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम रो मनीष। अब जब कैश आपके पास आ रहा है तो आप कैश में प्लस करोगे, सबसे पहले 20,000 आपके पास कैश आ गया, 20,000 के अब आपके डेटर नहीं रहेंगे क्योंकि वो पैसे दे चुके हैं, आप उसमें से माइनस कर दो और बाकी चीजों में आप डैश लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और इस बेस पर आप अपनी न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन में यहां पर 136,500 आएगा, यहां 32,500 आएगा, ये बैलेंस निल हो गया, यहां 10,000 का अभी भी फर्नीचर है मेरे पास, 179,000 यहां आएगा, ये निल हो चुका है। तो ये इंपैक्ट हो गया हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष का। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जब रेंट पेड है, तो जब वर्ड आप रेंट पढ़ो तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि ये एक एक्सपेंस है, और फिर आप पेड पढ़ो तो पेड पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपने पेमेंट कर दी। तो सबसे पहले आप पेमेंट करने के लिए 1,000 यहां से माइनस कर दो, 135,500 बचता है। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस हुए हैं, तो आप कहां जाकर माइनस कर देंगे, कैपिटल में से। तो अब ये हमारा इसका बैलेंस 178 आ जाएगा, बाकी चीजों पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से 1,000 जो है कम हो चुका है और हमारा बैलेंस दोबारा से टैली हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी मैं पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करूं तो आप उसको एक वर्ड से ही डिनोट कर देना, ड्रॉइंग। तो जब आप ड्रॉइंग से डिनोट कर दोगे और कैश वर्ड यहां पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3,000 आपको एक तो कैश में से माइनस करने हैं, ठीक है, और एक आपने, क्योंकि मालिक ने ये पैसा निकाला है, तो मालिक जब भी अपना कोई पैसा निकालेगा तो वो अपनी ही कैपिटल में से निकालेगा। तो आप 3,000 वहां माइनस कर दो, 3 यहां कर दो, आपकी न्यू इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, और जो इस क्वेश्चन की लास्ट न्यू इक्वेशन होगी। अब यहां पर जो फाइनल बैलेंस बचता है वो कैश में 132,500 बचता है,
स्टॉक में 32,500 बचता है, डेटर्स हैं नहीं और फर्नीचर फॉर्म के पास 10,000 का है। ऐसे ही अगर कैपिटल की बात की जाए तो वो अब 175 है, बाकी कुछ भी जो है हमारी क्रेडिट साइड में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हम इसको और समझ सकें। जब हम समझेंगे जब ही हम कर पाएंगे। पूरा क्वेश्चन आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, सो दैट आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट भी ले पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ कहता है हमें कि रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। रोहित की बुक में ये ट्रांजेक्शन है। तो पहली ट्रांजेक्शन, अब आप यूज टू हो गए होंगे, बार बार एक जैसी ही ट्रांजेक्शन आती है, कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, विद कैश है तो ऑब्वियसली है, एक ही कॉलम यहां पर कैश का बन जाएगा, एक कॉलम यहां पर कैपिटल का बन जाएगा, और जितने से उसने बिजनेस को कमेंस किया वो आप यहां लिख देंगे दोनों तरफ, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसने मशीनरी परचेज की है, मशीन में लंबे समय तक यूज करूंगा तो मशीनरी मेरी एसेट बन गई, तो मैं मशीनरी का एक कॉलम एसेट साइड में खोल दूंगा और जितने की मशीन खरीदी है उतने की लिख दूंगा। परचेज मशीनरी मुझे यहां लिखना पड़ेगा, अब आप देखिए तो उसने आगे लिखा है जो वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा दिया गया है या नहीं दिया गया, तो क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट का मतलब मैंने पैसा तो नहीं दिया, तो जब नहीं दिया तो क्या देना भी नहीं है, देना तो है, तो आप यहां पर बना दो क्रेडिटर फॉर मशीनरी, क्योंकि मेरे नॉर्मली क्रेडिटर जो होते हैं वो सिर्फ गुड्स के लिए होते हैं, तो ये क्रेडिटर के लिए है, मुझे स्पेशली लिखना पड़ा क्रेडिटर फॉर मशीनरी, और आप वो अमाउंट उन उस क्रेडिटर के कॉलम में लिख देना 40,000। इस तरीके से हमारी न्यू इक्वेशन इस क्वेश्चन की पहली वो निकल कर आ जाएगी। यहां पर भी हम ऐसा ही करते हैं, अपनी न्यू इक्वेशन निकालते हैं। 150,000 का कैश मेरे पास है और 40,000 की मशीन मेरे पास है। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, तो वो लिखा है गुड्स परचेज किया आपने, तो जब गुड्स परचेज की जाती है तो जब तक वो बिकेगी नहीं वो मेरी गुड्स या स्टॉक ही रहती है, मतलब कि मेरी एसेट्स रहती है। अब लिखा है फॉर कैश, तो ऑब्वियसली आपको जो डीलिंग करनी है वो कैश से करनी है। अमाउंट अगर देखो आप तो 20,000 का है, तो आप 20,000 पहले, क्योंकि कैश से आपने खरीदा है तो कैश में से माइनस कर दो, और गुड्स अब आपके पास इतने वो बिकती नहीं है, इतने आपके पास रहेंगी तो आपकी वो एसेट हो गई, क्योंकि जब आप उनको बेचोगे तो आपको पैसा उनसे मिल जाएगा, तो आपकी अब एक एसेट और इंक्रीज हो गई और कैश जो है आपका कम हो गया, कैश हो गया 130, 40 ये, 20 ये, यहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा लायबिलिटी पर। अभी मैं इस क्वेश्चन के एंड में आपके साथ एक चीज और डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं यहां के थ्रू आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, अंत तक आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। अब आता है कि परचेज की है कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मैं कुछ भी खरीदूं वो सिर्फ एक ही चीज बन सकती है, ड्राइंग। अब मैं कार खरीदूं, फर्नीचर खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, आपको सिर्फ ड्राइंग लिखनी है, ऑब्वियसली है, क्योंकि कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि पैसा कैसे दिया, तो मैं मानूंगा कि कैश से ही दिया है और मेरे पास कोई और दूसरा तरीका भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बैंक में कोई पैसा दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे,
वो कैश में से भी माइनस कर दोगे और क्योंकि वो मालिक ने निकाला है तो उसकी कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे। अब आपके पास कैश बचता है 50,000, गुड्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, मशीनरी पर मतलब की, तो पूरी लिख दोगे। ऐसे ही हमारी गुड्स पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उसको भी आप पूरा लिख दोगे। यहाँ आपकी अब जो कैपिटल थी वो भी कम हो गई, 70 रह गई। आपके क्रेडिटर जो मशीनरी के हैं उन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन हमें कहती है कि पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, या फिर फुल सेटलमेंट है। तो क्रेडिटर एक ही चीज के थे, मशीनरी के, उनको आपने सेटल कर दिया, और सेटल जो आप कर रहे हो कम अमाउंट से कर रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें, वो वही फुल सेटलमेंट है। तो आप यहां लिखो पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं फुल सेटलमेंट को FS लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। अब फुल सेटलमेंट किया आपने, पैसा उसको दिया, तो आप 38,000 तो पे कर रहे हो, 38,000 माइनस कर दो। आपके पास अब कैश जो बचता है वो 12,000 बचता है, ठीक है। पर आपकी जो लायबिलिटी कम हुई वो पूरे 40 से हुई, इसका मतलब अब आपकी जो लायबिलिटी थी वो 40 से कम हुई। अब आपने 2,000 जो कम दिए वो आपका प्रॉफिट है एक तरीके से, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, तो आप उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे और इस तरीके से अपनी इक्वेशन को पूरा कर लेंगे। और देखोगे आप कि दोनों तरफ जो है वो इक्वल बैलेंस आ रहे हैं, मतलब कि 72,000 दोनों साइड का हमारा टोटल आएगा और आना चाहिए। अब आती है ये एंट्री। अब ये एंट्री आपको यहां पर थोड़ा ध्यान से समझनी है। सोल्ड गुड्स, आप गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, और लिखा है फोर कैश। ये भी मुझे पता चल गया कि पैसा जो आया है मेरे पास कैश से आया है। अब देखो उसमें लिखा है कि कॉस्टिंग जो है उसकी 5,000 है, ठीक है। देखो तीन चीज मिलेंगी जब भी आप सेल देखो, तो आप तीन चीजों पर ध्यान रखना। एक सेलिंग प्राइस, जो इस वाले केस में ये है 4,500। एक आपको देखनी है उसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इसमें कितनी है 5,000, ठीक है। तो जो कॉस्टिंग होती है वो तो गुड्स में से माइनस हो जाती है हमेशा, ये आपको याद रखना है। और जो सेलिंग प्राइस होता है वो अगर कैश है तो कैश के अंदर प्लस कर दो, और अगर उधार है तो उतने के डेटर बना दो। तो अभी मेरा कैश था तो मैंने कैश में प्लस कर दिया। इसके बाद आपको देखना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेरे इस केस में लॉस हो रहा है क्योंकि मेरी कॉस्टिंग ज्यादा है और जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कम है, ठीक है। इसलिए मुझे लॉस हो रहा है, और लॉस भी कितने का हो रहा है 500 का। अब जब ये लॉस है तो ऑब्वियसली है ये कैपिटल में से भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से हमारी जो कैपिटल है वो अब 71,500 आ जाएगी। यहां तो ऑब्वियसली नील हो चुका है पहले से। यहां आप देखोगे तो नेट इफेक्ट वही 500 का है जो मैंने उस तरफ माइनस किया है। अब यहां पर कैश 16,500 आ जाएगा, मशीन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो मशीन 40 की ही रहेगी, और अब मेरा गुड्स जो है 5,000 का बिक चुका है, तो 15,000 की गुड्स मेरे पास बची। अब अगर दोनों साइड का फिर आप टोटल देखो तो वो 71,500 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पर पहुंचते हैं, पेड रेंट। तो ये अभी इससे पहला जो क्वेश्चन किया है उसमें भी था, सेम वही ट्रीटमेंट है। पेड रेंट आपने
1000 रेंट पे कर दिया, माइनस कर दो क्योंकि पेड वर्ड आया है, साथ ही साथ वो एक एक्सपेंस है तो वो आप एक्सपेंस में से भी माइनस कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपके 1-1000 दोनों तरफ से कम हो जाएंगे और अब जो आपका टोटल दोनों साइड का आएगा वो 70,500 आ जाएगा। अब लास्ट एंट्री आती है, इसको थोड़ा फिर आपको ढंग से समझना होगा क्योंकि ये आपके लिए फिर नई एंट्री है। लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एडवांस। आप देखो यहां पर लिखा हुआ है एडवांस और रिसीव्ड, अभी हम इनसे ही समझेंगे थोड़ा फिर आगे चलेंगे। रिसीव हो गया तो ये पक्की बात है कि मेरे पास पैसा आ गया, तो मैं कैश में तो प्लस कर देता हूं। एक इफेक्ट तो सिंपल था जो मुझे इजीली समझ में आ गया और मैंने अपना कैश बढ़ा दिया 2000 से, ठीक है। ये मेरी फाइनल न्यू इक्वेशन होगी जो निकलेगी। अब कमीशन नॉर्मली मेरी इनकम होती है, इनकम है तो वो कहाँ ऐड होनी चाहिए, हमारे कैपिटल में, बट ये नहीं होगी क्योंकि ये आपको एडवांस में मिली, आपने अभी तक सर्विसेज नहीं दी, इसका मतलब आपने इस इनकम को कमाया नहीं है। अभी इसके बदले में आपको सेवाएं देनी है, तो आपकी तरफ से कुछ जाना है ना, तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी और यहां पर आप एडवांस का एक कॉलम बना लेना और उस कॉलम में इस अमाउंट को शो कर देना क्योंकि ये आपकी अभी लायबिलिटी है, आपने पैसा ले लिया है, अब आपको इसके बदले में सेवाएं देनी होगी। तो जब सेवाएं आप दोगे तो लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी, पर इतने नहीं देते, इतने वो आपकी लायबिलिटी है, बाकी जगह पर कुछ नहीं आएगा। तो बाकी के बैलेंस अब आप जैसे पहले थे वैसे ही उतार सकते हैं, साथ ही साथ देखो कैपिटल पर भी इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि जब पड़ता जब वो मेरी इनकम बन जाती, वो इनकम बनी नहीं तो इसलिए मेरे कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर ये इनकम होती तो कैपिटल में ऐड हो जाती। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब जो इसमें मुझे जो मुझे आपको कुछ बताना था वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन की किसी एक साइड को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा राइट एनी टू एग्जाम्पल विच अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब वो एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कई, जैसे मैं आपको दिखाऊं परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर इस ट्रांजेक्शन को देखो तो लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं है, सारा इंपैक्ट कहां पड़ा, एसेट में। एक एग्जांपल जिसने सिर्फ एसेट को क्या करा, अफेक्ट किया। इसके बाद आप देखो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन के अंदर बाकी, इस क्वेश्चन में अभी कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो किसी एक तरफ इंपैक्ट डाल रही हो, पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपकी मिल जाती हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जो लायबिलिटी में भी प्लस हो रही हो और एसेट में भी प्लस हो रही हो। तो देखिए ये प्लस प्लस की आइटम है, मतलब कि मशीन परचेज जब हम करते हैं तो एसेट में भी प्लस है और लायबिलिटी में भी परचेज है, पर कब प्लस है, जब आपने इसको क्रेडिट में परचेज किया है। अगर आप पैसा दे देते तो वो यहां से माइनस हो जाता, तो वो तो दोनों इंपैक्ट एक ही तरफ हो जाते, वो ट्रांजेक्शन चेंज हो जाती। तो अभी ये एक ट्रांजेक्शन है जो दोनों तरफ प्लस हो रही है, ऐसे ही अगर दोनों तरफ माइनस की देखो तो ये भी ड्रॉइंग वाली दोनों तरफ माइनस हो रही है। फिर आप देखो तो ये ट्रांजेक्शन है दोनों तरफ प्लस है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है।
ऐसे ही अगर रेंट पेड को देखें तो दोनों तरफ माइनस है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं आपको उनको कोई रटने की जरूरत नहीं है, जब आप उनको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो सिर्फ एसेट साइड में आता हो, या ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ, आएंगे अभी एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो सिर्फ कैपिटल पर ही इम्पैक्ट डालते हैं, उनका एसेट साइड से कोई लेना देना नहीं होता। तो कहाँ इम्पैक्ट डालते हैं, सिर्फ यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एग्जाम्पल आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी में सैलरी एक एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग है तो पेमेंट तो दी नहीं तो एसेट में से तो माइनस नहीं हो सकता, उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कहाँ इफेक्ट आए, कैपिटल में और दूसरा लाइबिलिटी का कॉलम बनेगा। तो वो दोनों इफेक्ट कहाँ के हैं, लाइबिलिटी के। तो जब आप इसको समझोगे, बेसिकली आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल समझना है। आप अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो एक साइड को इफेक्ट करता है या दोनों को करता है, या दोनों तरफ प्लस होता है या दोनों तरफ माइनस होता है, तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो अभी के लिए ये दो क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई दो नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे। अब लंबा क्वेश्चन होगा तो एक भी हो सकता है। इतने, थैंक यू।